तो इसका आएगा लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू 5 मीटर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये बन जाएगा 500, और ब्रेड्थ 85 सेंटीमीटर, तो इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे, 585 को करोगे तो आपका एरिया में आंसर आ जाएगा। जैसे ये है 840 सेंटीमीटर है, तो ब्रेड्थ 7 मीटर है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 700, ठीक है। तो 840 को 700 से आप मल्टीप्लाई करोगे। ऐसे ये फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, तो उसकी साइड इतनी है, तो 25 साइड ऑफ द स्क्वायर 25, और एरिया इज इक्वल टू साइड इनटू साइड, 25 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 48 को 48 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 27 mm को 27 mm से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 87 मीटर को 87 मीटर से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपका आंसर एरिया का आ जाएगा। इसका आंसर मीटर स्क्वायर में आएगा, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, इसका mm स्क्वायर में आएगा। तो आपके 8.2 एक्सरसाइज के आपके ये दो सम हो गए, यानी कि ये जो सम है आपने ऐसे आपको पहले एग्जांपल मैंने कराई थी, ऐसे आपने करना है, लेंथ ब्रेड्थ फिर एरिया, फिर उसको ऐसे लिखना है। तो अगर पेरीमीटर भी निकालना हो तो पेरीमीटर नहीं है अभी, यहाँ निकाला, ठीक है। तो ये वाले सम आपने करने हैं, ठीक है। ये फर्स्ट फर्स्ट टू सम्स आपने करने हैं सारे। ओके, थैंक यू।